हाय गाइस, आई एम डॉक्टर कुंडू और आप सब लोगों का धन्यवाद, क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाया था फेसबुक पे उस पर काफ़ी सारे मुझे व्यूज़ मिले, करीब 30 to 50 million ऑल टुगेदर। थैंक यू फॉर दैट। और अभी भी कई कई लोग मुझसे अपडेट पूछ रहे थे कि अभी चाइना में क्या हाल है, आप न्यूज़ व्यूज़ पढ़ रहे हैं या ऐसे करके, ये केस आ रहे हैं। तो अभी मैंने अपडेट देने के लिए ये वीडियो बनाया है, और मैं आज आपको बहुत सारी चीज़ें भी दिखाने वाला हूँ, और एक लाइक गुड न्यूज़ भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। खैर, अपडेट के लिए तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये एरिया है, यहाँ पे ये वाली सारी कार वार चल रही हैं। देखो मैं भी हॉस्पिटल में हूँ अपने, और ये देखिए, मतलब आज पूरा पूरा लॉकडाउन खुल गया है, पूरा पूरा लॉकडाउन खुल गया है। और स्कूल कॉलेजेस जो मैंने कहा था कि भाई बंद थे, स्कूल कॉलेजेस, बार, रेस्टोरेंट, अभी सब कुछ खुल गया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। और आई थिंक अब आप लोग जब लॉकडाउन में हो तो आपको पता चल गया होगा कि मतलब नॉर्मल लाइफ कितनी अच्छी है, राइट? क्योंकि क्योंकि लॉकडाउन में थे हम ये सारी चीज़ें बहुत मिस करते थे कि भाई बाहर जाना, बाहर जाके खाना खाना, यार दोस्तों से मिलना, ऐसे करके। पर अब आपको एक तरह से लॉकडाउन में एक नॉर्मल लाइफ की, आम जिंदगी की अहमियत पता चल गई होगी कि कितनी अच्छी है, हमें भी पता चली थी। पर अब खुशी की बात यह है कि भाइयों लाइक सब नॉर्मल हो गया है यहाँ पे, तो एक्चुअली हम भी लाइक अच्छा अच्छा फील कर रहे हैं। और ना मैंने इंटरनेट पे, पता नहीं भाई जो ये पता नहीं इंडिया में एक में क्या बैठे हैं, यूट्यूबर बैठे हैं भाई, वीडियो वीडियो बना रहे हैं कि भाई तुम मास्क मत पहनो, लॉकडाउन फॉलो मत करो, ऐसे ऐसे मत करो। भाई देखो, मैं तो सीधा प्रूफ देता हूँ, ये सीधा सीधा आपके सामने प्रूफ है कि भाई हमने लॉकडाउन फॉलो किया था, और मैंने सारी सारी बातें बताई भी, हमने क्या किया था यहाँ पे, क्या क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने कैसे किया था, कैसे आपको चेन चेन तोड़नी है, कैसे आपको बिजनेस करना है लॉकडाउन टाइम में, ताकि आपका बिजनेस भी ना रुके, आपकी इकोनॉमी भी चलती रहे। मैंने आपको सारा सारा बताया था, और ये देखो, ये आपके सामने जीता जागता प्रूफ है, सही है? तो मतलब कोई भी, और तो फिर ऐसे करके जो भी आपको आपको ये वीडियोस वीडियोस ये दिख रहे हैं, वो फालतू की न्यूज़ मिल रही हैं, इन सबको आप इग्नोर करो, और जो अपने काम की न्यूज़ है कि भाई, और मतलब वही वही यूज़ करो, वही, क्योंकि फालतू न्यूज़ पता नहीं लोग आजकल वायरल होने के लिए कुछ भी ऐसे डालते हैं, तो उस चीज़ से प्लीज़ प्लीज़ आप लोग बचिए। और खैर चलो, ये तो खैर होगी पहली बात। अब मैं आपको देखो अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। अब मतलब कई कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं चाइना के बारे में अच्छी बात करता हूँ, ऐसे ऐसे, मैं चाइना के बारे में नहीं कर रहा, मैं मतलब आपको आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि मतलब कि डेवलप कंट्रीज़ में कैसे लोग जीते हैं, ओके? ये ऐसा नहीं है कि खाली चाइना है, ऐसा नहीं है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, पर मैं आपको, आप जो जो लोग इंडिया में रहते हो, मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे कैसे कैसे जीते हैं, और मतलब कितना अच्छा गवर्नमेंट करती है, कितनी मतलब डेवलप कंट्रीज़ का मतलब ये है कि लोग अपना आराम से जिएं, मतलब कि सुविधाएं अच्छी हों, हर एक के पास कार हो, घर हो, रहने के लिए हो, जॉब सिक्योर हो। तो मतलब डेवलप कंट्रीज़ का मतलब ये है, वहाँ पे लोग इन चीज़ों के लिए नहीं तरसते कि भाई जॉब नहीं है, या लाइट नहीं आ रही, या फिर पानी नहीं आ रहा, ये चीज़ें वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती, ओके? तो अब इस मामले में देखो, ये मैं अपने हॉस्पिटल में हूँ, और मैं सीधी सीधी देखो, पहली चीज़ ये देखिए, सड़क कितनी अच्छी है, सड़क कितनी अच्छी है, राइट? सड़क में जैसा कि आप देख रहे हैं लाइक, और ये सड़क के बीच में ये डिवाइडर नहीं है, हमारे वहाँ पे क्या बोलते हैं, डिवाइडर होता है, तो फिर कई कई तो डिवाइडर से ही टकरा के ऐसे मर जाते हैं, तो डिवाइडर नहीं है। तो ये जो ये है ना, ये प्लास्टिक वाली चीज़ है जो ये मतलब ऐसे कि कोई अगर जैसे नशे वशे में हो, या फिर कोई जैसे रास्ता थोड़ा भटक भी जाए, तो ये उसके उसे टक्कर खाती है, और ना व्हीकल बसता है, दम 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 करके भी व्हीकल बसता है, और फिर मतलब वो ड्राइवर अटेंटिव हो जाता है, तो एक्सीडेंट नहीं होते, पर हमारे वहाँ पे डिवाइडर होते हैं तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। और ऐसे ऐसे देखो, एक यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़, देखो कहाँ पे
कहीं भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, गंदगी नहीं है, कूड़ा कूड़ा पड़ा वो कहीं भी नहीं है। क्यों क्यों ऐसा है? कभी आपने सोचा कि डेवलप्ड कंट्रीज क्यों इतनी अच्छी मतलब साफ़ सुथरी रहती है? देखिए जो मैं दिखाता हूँ भाई, एक मिनट रुको, एक मिनट देखो देखो, ये एक डस्टबिन है राइट, और अब उसके यहाँ पे ये ग्रीन वाला ये एक डस्टबिन हो गया। अब उसके बाद वहाँ पे ये वाला हो गया एक डस्टबिन जो कि स्क्रीन के बीच में आ रहा है, मतलब कि ये कैमरा फोकस क्यों नहीं कर रहा। तो मतलब मेरा मतलब है कि हर एक सॉरी यार तो मतलब मेरा मतलब है कि हर एक आपके 50 मीटर पे डस्टबिन है। ये रहा एक यहाँ पे बस स्टैंड पे है, एक यहाँ पे बस स्टैंड पे है, और एक वहाँ पे है। अभी देखो हर एक आपके 50 मीटर पे तो आपका डस्टबिन है, तो सारे सारे लोग डस्टबिन में गिरते हैं। तो एक तो मतलब ये डस्टबिन है, ये तो मतलब सुविधा होगी, और एक लोग भी इतने समझदार हो गए कि भाई सारे सारे सामान डस्टबिन में गिरते हैं। और तो और चाइना में तो ऐसा नहीं है, दुबई में तो ऐसा है कि लाइक अगर हमने थूक भी दिया ना, अब जैसे आप चल रहे हो और आपने थूक दिया तो फिर भी आपको जुर्माना पड़ जाता है। और ऐसे यहाँ पे लोग रूल्स भी बहुत अच्छा फॉलो करते हैं। और ऐसे जैसे ये चौराहा है यहाँ पे, अगर जैसे किसी गाड़ी ने रूल्स फॉलो नहीं करे तो उधर कैमरा है, ये देखिए ये कैमरा है, कैमरा तस्वीर खींचेगा, नंबर नोट खुद करेगा, और जो जो ड्राइवर है उसके पास खुद ही उसका जुर्माना पहुँच जाएगा, और उसके लाइसेंस से वो भी कट जाएंगे जो नंबर होते हैं ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है भाइयों, तो मतलब इसीलिए लाइक वो नहीं है, मतलब एक्सीडेंट कम होते हैं। और देखो सारे लोग अपनी रो में चल रहे हैं, रो कोई नहीं तोड़ रहा, और सारे रूल्स के हिसाब से। और ये देखिए, और जो बस है ना छोटी छोटी जो जा रही हैं इन बस, और ये वाली बस मतलब यहाँ पे जैसे जैसे हमारे वहाँ पे नहीं है कि जैसे कोई बस जैसे दिल्ली से जाती है फरीदाबाद जाती है या गुड़गांव जाती है या ऐसे करके, तो वाली बस ऐसे नॉर्मल रोड्स पे चल नहीं सकती। तो उनका मतलब वो ही अलग है, रास्ता ही अलग है। यहाँ पे जो बस यहीं जो सिटी में चलती है वही बसेस हैं, और सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा ही है। और ये बस इतनी सस्ती है कि आप बस 20 रुपये दो और फिर यहाँ से और वहाँ पे चले जाओ ऐसे करके। अब आपको एक ही और चीज़ बताता हूँ। हाँ भैया, ये आकाश कपिल जी कह रहे हैं कि चाइना डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, डेवलपिंग है, पर भाई फिर भी मतलब ये बात मैं आर्गूमेंट जीतने के लिए मैं कर ही नहीं रहा। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई शायद कोई अपना लीडर ही देख ले, किसी के सब के समझ में आ जाए, किसी को कोई अपनी जगह को भाई सुंदरी बना दे। मेरा ऐसे मैं ऐसे किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा भाई हूँ। और मतलब ये और ना देखो, अभी यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे खैर देखो यहाँ पे कितना मैनेज है। ये वैसे मैं सिटी के सेंटर में हूँ, देखिए क्योंकि आसपास सारी सारी बिल्डिंग है ना, मैं भी सिटी के सेंटर में हूँ, पर फिर भी देखो मतलब यहाँ पे आपको पता ही है कि जगह कितनी महंगी होगी है ना। और पर फिर भी यहाँ पे देखो कितना बड़ा पार्क है, ये पार्क और ना ऐसा ही नहीं है कि खाली यही है। ये वाला पार्क ये लगाओ, रुक जाओ मैं दूसरी जगह दिखाता हूँ। ये वाला पार्क ये लगाओ, देखो ये इसमें ये पगोड़ा टेम्पल है, इसको बोलते हैं पगोड़ा टेम्पल, मतलब इसमें जाओ और पार्क है बीच में, इसमें सुबह सुबह चाइनीज लोग आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मोथाई करते हैं और फिर मतलब क्या बोलते हैं मेडिटेशन करते हैं यहाँ पे। और फिर देख रहे हैं आप, मतलब पूरा पूरा ग्रीन है, मतलब कितना कितना अच्छा लगता है। और आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, रोड्स पे तार नहीं है, हमारे वहाँ पे तो तार वार बहुत हैं, तार होते तो मतलब कितना कितना रिस्क होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ पे सारे सारे तार नीचे से जा रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। और दूसरा ये पार्क में भी ऊपर ये मरकरी लाइट लगी हुई, तो वो रात को भी जैसे चाइनीज़ है ना वो क्या है प्रैक्टिस करते हैं,
वो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, मुआ थाई या चाइनीज़ जो शाओलिन है वो प्रैक्टिस करते हैं, पर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पीसफुल है। और आपने क्या एक चीज़ नोट करी आपने, मैं आपको आपको एक चीज़ नोट करनी चाहिए। देखो मैं हॉस्पिटल के पास हूँ, हॉस्पिटल के पास हूँ चाहे कहीं भी हूँ, यहाँ पे हॉर्न्स की आवाज़ नहीं आ रही, हॉर्न्स की आवाज़ नहीं है। और ऐसे से भाइयों वहाँ पे लाइक इंडिया में, मतलब अगर आप खड़े हो तो वे हॉर्न हॉर्न मार मार के दिमाग ख़राब कर लेते हैं। पर आपको जो आप लोग हॉर्न मारते हो, आपको क्या पता है कि वो कितना नुकसानदायक हो सकता है। मतलब कि कोई आदमी आ रहा है ऑफिस से आ रहा है, और फिर जैसे वो कार में बैठा है, फिर आप उसे हॉर्न मार रहे हो, पर वो हॉर्न मार मार के वो इतना इरिटेट हो जाता है कि वो घर पे जाके अपनी वाइफ से भी झगड़ा कर ले, और ऐसे पता नहीं झगड़ा किस रूप में बदल जाए, क्या हो जाए। तो ऐसे मतलब ज़िंदगी को हम पीसफुल भी तो बना सकते हैं थोड़ा। हॉर्न कोई नहीं मार रहा यहाँ पे, सब देखो लाइन में खड़े हैं, बिल्कुल पीसफुल चल रहे हैं, सबको पता है मतलब। पर ऐसे ऐसे पता नहीं। और ऐसे देखो खैर ये जो मेरे आसपास के इलाका है ये थोड़ा सा है, पर इसमें बहुत सारी काम की चीज़ें हैं। अब ये देखो ये वाली साइकिल नीचे ये वाली साइकिल्स, आई थिंक ये बहुत ही मतलब लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि आप ही लगाओ, ये जो साइकिल है ना इसको बस स्कैन करो, जैसे आपने स्कैन कर लिया फिर आप इस साइकिल को लेके मतलब कहीं भी चले जाओ सिटी में पैर वो करके। तो इवन के जो मेरे दोस्त हैं वो उनके उनके पास है BMW है मर्सिडीज, मतलब ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं उनके पास, पर वो फिर भी साइकिल लेके जाना पसंद करते हैं। और तो और कई कई दोस्तों ने तो अपनी साइकिल अपनी डिक्की में रखते हैं और ऐसे फिर कोई अच्छी अच्छी जगह जाते हैं पहाड़ों वहाड़ों पर, फिर ऐसे वहाँ पर जाकर साइकिलिंग करते हैं। पर ऐसे जो आई थिंक जो इंडियन माइंडसेट है वो ये बोलते हैं कि भाई साइकिल पुअर लोग चलाते हैं या ये, पर आई थिंक ये गलत है, क्योंकि हेल्थ के लिए साइकिलिंग कितनी अच्छी है आप लोगों को सबको पता है। तो ऐसे देखो मतलब साइकिलिंग अगर हो, और खैर मैं भी साइकिलिंग करता हूँ, मैं भी जाता हूँ काफ़ी काफ़ी दूर लाइक पहाड़ों के बीच। यहाँ पे देखो पिछले साइड वहाँ पे पहाड़ है तो उधर साइड 20-20 किलोमीटर पड़ते हैं। तो ऐसे मैं अपने हेडफोन लगा के कान में और फिर साइकिलिंग जाता हूँ। और साइकिलिंग के लिए देखो अलग रोड है अपना, ये वाला रोड देख रहे हो जिसपे मतलब ये वाला साइकिल छपरी है, ये वाला रोड ही अलग है साइकिलिंग के लिए। तो साइकिल चलाते हुए डर नहीं लगता कि भाई वो है एक्सीडेंट हो जाएगा। और सारे लोग लिमिट में चलाते हैं। प्रिंस पटेल जी, चाइना 85 एक्टिव केसेस रियली? हाँ जी होंगे, बिल्कुल है। देखिए भाई मैं एक डॉक्टर हूँ और एक रिपोर्टर नहीं हूँ, यार लाइक ना मेरा न्यूज़ चैनल है कि भाई मतलब यार आप लोग मेरे से खुलासे क्यों करवाना चाहते हो, मतलब जैसी न्यूज़ आपको मिल रही है वैसी ही मुझे मिल रही है बिल्कुल। पता है कई लोग ऐसे 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 पूछ रहे भाई आप तो छुपा रहे हो, और भाई आप बता नहीं रहे, आप असलियत नहीं बता रहे। भाई मैं डॉक्टर हूँ भाई, मेरा काम है लाइक लोगों को बचाना, लोगों की सुरक्षा के लिए उनको सजेशन देना। मैं खुलासे किस लिए करूँ, मतलब जितनी चीज़ आपको पता है उतनी चीज़ मुझे पता है। वो भाइयों आप लोगों को लाइक वो यूट्यूबर्स ही बताते हैं, मतलब जो चीज़ कभी बनी नहीं वो नहीं वो ही मतलब वहीं पे मतलब बनाते हैं, वो व्यूज़ बनाते हैं। पर मेरा काम ऐसा नहीं है, जो मुझे पता होगा मैं तो वही बता सकता हूँ ना। मैं किस लिए करूँ बिना बात के खुलासे कि भाई हाँ बिना बात उसमें पढ़ो जो अच्छी चीज़ है वो। और हाँ यार ये भी अच्छी चीज़ है, इंडिया की सॉरी एक मिनट सॉरी नरेंद्र हिरानी जी, कोरोना कैसे चलता है जी? कोरोना ने गाड़ी ले ली होगी जी, अब तक तो बहुत फेमस हो गया ना आप चाइना क्यों गए हो? भाई मैं यहाँ पे MBBS करने आया था, और फिर अब मेरी वाइफ भी चाइनीज़ है, मैं चाइना में रहता हूँ। सर जी लाइफ चाइना में नॉर्मल होगी? राजेश चौधरी जी बिल्कुल जी नॉर्मल होगी, हम लोग बस धर्मों में उलझे रहते हैं डॉक्टर साहब। ब्रह्मादत्त शर्मा जी ये बहुत सही बात है, पर अब ये एजुकेटेड लोग ही समझते हैं जी बिल्कुल।
क्या वहाँ कोई मेडिसिन बन गई कोरोना के लिए? जी नहीं बनी करजोवाल मीना जी, जितना हमारे यहाँ रोड पे पैसा है उतना तो उन्होंने रोड की डेकोरेशन में लगा रखा है। सर जी ये डेकोरेशन नहीं है, मैंने आपको इसलिए लाइक पूरा समझा। हाँ डेकोरेशन एक तरह से आप कह सकते हैं, पर सबका यूज़ है, सब चीज़ों का यूज़ है ऐसे करके। भाई एक्सपर्ट मॉल शुरू हुए कि नहीं? हाँ जी सारे मॉल खुल गए भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजू प्रसाद जी, धन्यवाद सर जी। इंडिया कब तक रिवाइव होगा? भाई साहब जैसे ही आप लॉकडाउन मतलब खोल दोगे ना, मतलब लॉकडाउन हो जैसे, हालांकि हालांकि भाई अभी मैं सैल्यूट करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को और भाई इंडियन की इंडिया की पुलिस को और इंडिया इंडिया के डॉक्टर्स को, मतलब कि वो और मतलब ये एक तरह का इस मतलब प्रूव हो गया, मुझे पहले इतना विश्वास नहीं था पर अब विश्वास हो गया कि भाई मतलब ये लगा लो इंडिया की जनसंख्या इतनी है जैसे कोई पता नहीं कोई 30 कंट्रीज़ के बराबर, मतलब जैसे एक स्टेट है तो एक स्टेट की इतनी जनसंख्या है कि पूरी पूरी कंट्री। पर फिर भी अभी तक कोरोना के केसेस बहुत कम हैं उनके मुकाबले, नहीं तो भाई बाकी कंट्रीज़ में तो बहुत बुरा हाल हुआ हुआ पड़ा है। तो इसलिए मतलब इंडिया इंडिया की ऐसे गवर्नमेंट बहुत बढ़िया कर रही है और आप लोग भी ऐसे बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हो। पर ऐसे थोड़ी बहुत वीडियोज़ आ रहे हैं जो या फिर जो भी है, पर ऐसे आई थिंक यही है कि जो जो नहीं मानेगा उसको तो भाई अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। या यहाँ पे भी थोड़ा ऐसे ही था कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो लोगों ने मतलब ये भी एक साइकिल है, लोग पहले तो मानते नहीं हैं, फिर धीरे धीरे मानते हैं, फिर मतलब उसको अच्छी तरह जानते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं। मतलब ये लोगों के दिमाग में ऐसा है। अगर अगर मतलब और ना न्यूज़ व्यूज़ पे या मोदी जी भी ये नहीं कह सकते भाई मर जाओगे फॉलो नहीं करा तो, अगर अगर वो ऐसे कह दे तो मतलब तो भी वो है तो ऐसे ही है। पर एक्चुअली सही है, अब आप लोग मान रहे हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है, अभी आप लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हो, अभी आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे तो पूरा विश्वास हो गया है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट भी सक्षम है और भाई इंडियन लोग भी सक्षम है और मतलब बहुत अच्छा। मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मेरे मेरे एक दोस्त हैं महाराष्ट्र से वो या मैं हॉस्पिटल का नाम भूल गया, पर हाँ मेरे मेरे एक दोस्त हैं कपिल चहल जी, वो गोहाना से हैं और वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में काम करते हैं, जॉब करते हैं वहाँ पे। पर ऐसे मुझे वहाँ पे सुनने के लिए मिला कि मतलब जैसे जैसे चाइना वाली जो जो मैंने हॉस्पिटल वाली वो डाली थी पोस्ट, उसकी उसकी मतलब उतना वहाँ पे चेकिंग बढ़िया नहीं करते हैं। मतलब कोई वहाँ पे महिला आई थी, फिर उसका उसकी लाइक एंडोस्कोपी करी थी उन्होंने और फिर वो महिला पूरे आईसीयू डिपार्टमेंट में फिर वो ऐसे घूम घूम ली थी और फिर उसके बाद पता चला था एक दिन बाद कि उसको कोरोना वायरस है। और भाई फिर उसके बाद सारे सारे डॉक्टर्स को क्वारंटीन करा था अंदर अंदर अगले दिन। तब मैं उस दिन बहुत ही डर गया था क्योंकि क्योंकि भाइयों बताऊँ, जब तक ये न्यूज़ व्यूज़ पढ़ते हैं तब तक ओके है, पर यही है कि जब अपनों के साथ आता है या अपने ऊपर बात आ जाती है तो बहुत डर लगता है। चाहे हम भी डॉक्टर ही हैं और ऐसे डेली डेली कई 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 मतलब मरते भी देखे हैं, वो भी देखे हैं, पर ऐसे ये जब भाई अपने ऊपर बात आ जाती है तो मतलब बहुत डर लगता है भाइयों। तो ऐसे ये प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो ऐसे रहो। और मैं क्या बता सकता हूँ आपको, और मैं चलो राम राम जी भाई, चलो मैं थोड़ी देर डॉक्टर चाइना फेसबुक बैन हूँ तो आपके इस लाइव से भाई वीपीएन यूज़ करता हूँ बलदेव मेहरा जी। आपको चाइनीज़ आती है क्या जी? बिल्कुल आती है, मेरी वाइफ भी चाइनीज़ है सर, कमेंट देखिए देखिए जी जी नरेंद्र हिरानी जी बिल्कुल देख रहे हैं आपके। मेडिसिन बताओ आप कौन सी यूज़ की चाइना ने, आप डॉक्टर हो तो। ये तो है, पहले तो मुझे तो प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं डॉक्टर हूँ और मेडिसिन भी ऐसे बतानी पड़ेगी, पर अगर मैं झूठ बोलूँगा तो भी आप वेरीफाई कैसे करोगे? प्रेम शर्मा जी थोड़ा हिंदू और थोड़े मुस्लिम भाई आपस के झगड़े भूल गए हो ना, तो चाइना या अमेरिका भी पीछे पड़ जाए, हम जान हिंदुस्तानी। वाह भूषण मित्रा जी बहुत अच्छा कमेंट आपका, यानी भी प्लीज टेल ट्रूली तुलसी मलिक जी। मेरे तो चाइनीज़ जो दोस्त हैं
आई थिंक ये पर्सन के पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। मेरे तो चाइनीज़ दोस्त हैं, वही लगा वो तो चाइनीज़ों से ही लड़ जाए मेरे लिए, मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर अगर आप जनरलाइजेशन की तरफ से कहो तो वही है कि जैसे से न्यूज़, जैसे आपको वहाँ पे चाइना की बुराई दिखाती है तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। और ना फिर जो जो लोग जैसे जो लोग कभी चाइना नहीं आए वो चाइना के बारे में बुरा सोचते हैं, और जो लोग कभी इंडिया नहीं गए वो इंडिया के बारे में बुरा सोचते हैं। तो ऐसा है। पर ऐसे जो लोग जानते हैं, जो लोग लाइक मुझे जानते हैं, वो तो हमेशा तारीफ ही करते हैं, हमेशा साथ ही रहते हैं। भाई वहाँ पर फेसबुक बंद है। अरे यार, इट इज़ प्लानिंग टू ओपन लॉकडाउन। यस वी आर हैविंग वर्स केसेस। हाँ जी, आसमा आसमा बेगम जी जी अमेरिका का तो ये चीज़ मुझे बहुत ही वो कर रही है, क्योंकि बताओ अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे इतनी अच्छी मेडिकल सर्विस है, सब कुछ इतना अच्छा है, नंबर वन है, और वहाँ पे ये हाल हो रहा है। तो फिर इसको इसको देख के ही मुझे बहुत डर था इंडिया के बारे में। पर इंडिया की गवर्नमेंट संभाल रही है, पुलिस संभाल रही है, डॉक्टर संभाल रहे हैं, कोई पीछे नहीं हट रहा, लोग भी वो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, इंडिया के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। सैल्यूट टू यू गाइस। आप कैसे चला रहे हो? हेलो अभिषेक, हेलो। अरे भाई, काम के क्वेश्चंस पूछो ना भाई। अब ये फेसबुक कैसे चला रहे हो, या ये ये कोई वो है भाई, रिप्लाई कर दिया मैंने पहले। थैंक यू तरुण कुमार जी। कोरोना वायरस चीन पूछ कर अन्य देशों में भेजा, आपका क्या कहना है? मनोज खुक रहती जी, मैंने कह दिया, मैं रिपोर्टर नहीं हूँ। जैसे आपके पास न्यूज़ आ रही है वैसे ही मेरे पास न्यूज़ आ रही है, सब कुछ। अब मैं अपने मेरे ओपिनियन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ, मैं बस आपको बचाना चाहता हूँ। और एक चीज़ प्लीज़ भाई, मेरे मैं खुलासे नहीं कर सकता, मैं नॉर्मल आदमी हूँ ना, मेरे पास कोई सोर्स है। अब आप भाई यूट्यूब पे आप लोगों को आदत हो गई है कि भाई खुला से देखोगे रोज के समाचार में, नई खबर, बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर। ये अपना अपना काम वैसा नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ भाई, मैं लोगों को बचाने की वो उसकी या पॉजिटिविटी ऐसी बातें बता सकता हूँ ना सर। नो नो सर, आई एम नॉट बंगाली, आई एम फ्रॉम हरियाणा, एंड हरियाणा पलवल एंड विलेज इज अलीका इज़ माई विलेज। इलाज नहीं आया सर अभी, अभी इलाज नहीं आया। और ऐसे गुरमीत जी, मैं अली का विलेज पलवल से हूँ। भारत भारत में गर्मी में कोरोना ख़त्म हो जाएगा क्या मई तक? जी ये देखिए, जब तक कोई रिसर्च ही नहीं आती, रिसर्च ही नहीं है तो कोई कैसे कैसे बोल देगा। और ये जो वायरस है ये नया डिटेक्ट हुआ है, वैसे तो कोरोना वायरस तो बहुत बहुत पहले से ही है। आप ऐसे डिटॉल पे या बाकी सैनिटाइजर पे पढ़ते हो कभी ये कोरोना वायरस मिटा सकता है, पर ऐसे ये वाला कोरोना वायरस ही नहीं आया। अब इसके ऊपर भाई रिसर्च ही नहीं है, हमारे पास इतना डाटा ही नहीं है। तो फिर अब कैसे कैसे कह सकते कि भाई गर्मी से ऐसे बंद हो जाएगा, भाप से ऐसे बंद हो जाएगा। ये जो जो वो बोलते हैं ना कि व्हाट्सएप के जो वहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं, अब पता नहीं उनको 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 पकड़ के एक बार टेस्ट करना चाहिए चाहिए ये चीज़। ये पता नहीं अदरक हो गया, लहसुन हुआ, वो हुआ क्या बोलते हैं, शहद हुआ, लौंग, इलायची, चाय, और ये क्या बोलते हैं, इन इन से ही कोरोना का इलाज कर रहे हैं। तो और फिर गर्मी से भाई, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, बात जरूर झूठ सही की नहीं है। शेयर मेडिकल डिटेल्स, व्हाट यू नो अबाउट दिस डिजीज सर। वेरी नाइस डॉक्टर साहब, सर थैंक यू सर जी। अपनी वाइफ से फेसबुक लाइव करा दो। ठाकुर मोहन तोमर, ओके ओके जी बिल्कुल। वाइफ क्यों भाई, मेरी मेरी बेटी हुई है कल, सॉरी मेरी बेटी हुई है पैदा आज, कल पैदा हुई है। और फिर मैं इस बात से बहुत खुश था, और मैं इसीलिए वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था वहाँ पे। तो मैं आपको अपनी बेटी दिखाता हूँ। ये है मेरी बेटी। हे या
एंड वो मेरी वाइफ है, वो चाइनीज़ है, कार्डियोलॉजिस्ट है, और इसी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट है जिस जहाँ पे मैं अभी यहाँ पे हूँ। और खैर, बेटी होने की वजह से मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, खुशी खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बेटी का बाप होना भी लाइक एक एक है एक क्या बोलते हैं, एक लाइफ का एक्सपीरियंस है। हाँ जी, हाँ जी, मेरी मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं, मेरी वाइफ भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और हम वो मेरे साथ वैंसू मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, और फिर वहीं पे हम मिले, और फिर हमारे मम्मी पापा ने अलाउ किया तो हमें शादी भी हो गई। थैंक यू सर। हाँ, आई थिंक भाइयों, देखो देखो भाइयों, आप लाइक वीडियो का भी टाइम वेस्ट होता है, तो फर्स्ट थिंग वीडियोस देखना बंद करो जहाँ पे मतलब आपको सही नॉलेज नहीं मिलती, क्योंकि 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 मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ फेक हो रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई मास्क मत पहनो, अभी ये बोल रहे हैं भाई, जो बोल रहे हैं कि मास्क मत पहनो। देखो, मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा दिया कि हमने क्या क्या किया था और यहाँ पे सक्सेसफुल है, सही है। तो प्रॉब्लम सेम है तो सॉल्यूशन सेम होगा कि नहीं? प्रॉब्लम सेम है तो सॉल्यूशन भी सेम ही होगा, इसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई कॉपी कर रहे हैं। अब ये कि प्रॉब्लम सेम है तो सॉल्यूशन हमें सेम होना चाहिए, तो जो जो मैंने जो अपने वीडियोस वीडियोस में बताए हैं आप वैसा ही फॉलो करें, अपना मास्क पहने। पता नहीं कौन था, कौन डॉक्टर, पता नहीं किसका किसका वीडियो था, आई थिंक, खैर मैं अगर फ्री 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 होऊंगा तो वैसे बनाता हूँ। पता नहीं कोई ऐसे कोई और वो डॉक्टर है, वो ये कह रहे थे कि भाई मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, लॉकडाउन फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, ऐसे ऐसे करके। अब भाई पता ही नहीं, पर ऐसा है कि भाई देखो, सीधा सीधा मतलब जो असली असली जो आप अगर आप समझदार हो ना, सामने रिजल्ट है, यहाँ पे सेम हुआ था, आपके वहाँ से वर्स सिचुएशन हुई थी और आज यहाँ पे सब नॉर्मल है। मैं इसीलिए वीडियो बनाया है, तो और प्रॉब्लम सेम है तो सॉल्यूशन भी सेम ही होगा। जो हमने कहा था, मैंने कहा था वही फॉलो करो, और गवर्नमेंट भी अपनी सेम ही बोल रही है, और लगे रहो भाइयों। एक आई थिंक इस लॉकडाउन के बाद ये लॉकडाउन बढ़ाना नहीं पड़ेगा, भगवान ने चाहा तो, और हम नॉर्मल लाइफ लौट आएगी। और सर मैं भी पलवल से हूँ, गुजर। ओके गुजर भाई, नमस्ते भाई। वहाँ कॉलेज स्कूल ओपन जी, दीपक डॉक्टर दीपक कुमार जी, बिल्कुल। मैंने आज इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के में यही बताया है कि भाई अपनी वाइफ से बात करा सकते हो, बिल्कुल भाई करा सकता हूँ, पर वाइफ वाइफ से क्या बात करोगे? आपको इंग्लिश आती है क्या? चाइना 100% क्लियर हो गया है। विपुल गंगवाल जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखो, मेरे जो ऐसे दोस्त हैं जो लाइक एनआरआई का मतलब हमारे एक ग्रुप है यहाँ पे, मेरे वो वाले उसमें सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी वाइफ चाइनीज़ है, तो करीब उसमें 77 लोग हैं, और मतलब वो हर एक अलग अलग जगह हैं, कोई शंघाई में है, कोई बीजिंग में है, कोई वुहान के पास है, कोई कहीं से कहीं से। तो फिर उनसे उनसे जैसे बात करी थी तो ऑलमोस्ट हो गया, शंघाई में हो गया नॉर्मल, हांजो में हो गया नॉर्मल। अब ये वुहान के पास वाले इलाके हैं, वहाँ पे अभी वो इस स्टेज में जो आज हम 15 दिन पहले थे, मतलब वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले, पर बाकी नॉर्मल हो गया। बहुत सही क्वेश्चन किया आपने, थैंक यू जी गुप्ता जी, राम राम डॉक्टर साहब। हाँ जी, ओपन हो गए, ओपन हो गए, कॉन्फ्रेशन। थैंक यू भाइयों, आपका आशीर्वाद रहेगा तो सही है, वेरी क्यूट, थैंक यू। भाई हम लोग चाइना की तारीफ सुनने के लिए लाइव नहीं है, अगर आपको मेडिसिन पता है तो हेल्प। अरे भाई, जब मेडिसिन बनी नहीं है तो फिर कहाँ से ऐसे होने, और भी वो नहीं नहीं देख रहा तो भाई मत देखो, प्रॉब्लम क्या है यार। और चलो भाई, दूसरे पेशेंट अब डिस्टर्ब होंगे, वो आ गए हैं दूसरे पेशेंट, तो फिर अभी। ओके ओके, थैंक यू पीपल, थैंक यू गाइस, बाय बाय।